सत्कर्म होना चाहिए, तो सत्कर्म कैसे होना चाहिए, किस तरीके से सत्कर्म होना चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, आज 8 सितंबर है 2024 और ये शाम का समय है। देहरादून में आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, पीछे देखो आप पहाड़ों का, ये सूर्य देवता हमें कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल रेड। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सत्कर्म होना चाहिए, तो सत्कर्म कैसे होना चाहिए, किस तरीके से सत्कर्म होना चाहिए। अगर सत्कर्म हम कर रहे हैं और उस कर्म का फिर हमें कोई फ़ायदा ना मिले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो हम यहाँ पर आए हैं सत्कर्म के लिए, लेकिन आप जब सत्कर्म करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि एक बार एक व्यक्ति यात्रा पे जा रहा था और दोस्तों पूरे परिवार के साथ वो यात्रा में जा रहा था, तो रास्ते में जंगल था, घना जंगल था, और जंगल के रास्ते से जब वो गया तो उसके परिवार को, बीबी बच्चे सबको बहुत ज़्यादा प्यास लगी और वो पानी 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 के लिए तड़फने लगे। जंगल में कहीं भी पानी नहीं था, तो फिर उस व्यक्ति ने क्या करा कि अपने बच्चों को एक जगह बिठाया एक पेड़ के नीचे और कहा कि मैं जाता हूँ पानी लेके आता हूँ। तो जब वो पानी की ढूंढ में गया तो कहीं उसको पानी नहीं दिखा, तब उसे एक साधु महात्मा दिखे। तो दोस्तों, जो महात्मा थे वो बैठे थे तपस्या में, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे सब मेरे साथ हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और वो पानी मांग रहे हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए कि पानी कहाँ मिलेगा। महात्मा जी ने बोला कि पहले आप दाएं जाओ, फिर आगे से बाएं जाना, फिर सीधे जाना, फिर नीचे को थोड़ा मुड़ जाना, आपको वहाँ पर एक सरोवर मिलेगा पानी का, आप वहाँ जाएं और वहाँ से पानी लेके आएं। वो व्यक्ति गया, ढूंढते ढूंढते उसको पानी मिल गया। उसने एक बाल्टी उठा रखी थी, पानी बाल्टी पे भर के ला रहा था। जैसे ही वो व्यक्ति पानी भर के बाल्टी भर के ऊपर लाया, रास्ते में उसको 4-5 लोग मिले। उन्होंने कहा हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पिला दो। तो उस व्यक्ति ने कहा ये तो बड़ा सत्कर्म होगा, उस व्यक्ति ने वो पानी की बाल्टी उनको पिला दी। फिर अपने आप फिर पानी लेने गया, फिर उन्होंने कहा कि हमें पानी 5 लोग और मिल गए रास्ते में, तो उसने उनको भी पानी पिलाया। फिर दोबारा उससे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं किसी की प्यास बुझा रहा हूँ, मैं किसी को पानी पिला रहा हूँ, है ना, सत्कर्म कर रहा हूँ। फिर गया, लेकिन इतनी देर में, बहुत देर हो गई, उसके बच्चे, उसके बीवी, उसके परिवार के लोग, सब लोग बिना पानी के एक एक करके ख़त्म होते गए। फिर वो पानी लेने गया, अब फटाफट हाँफते हाँफते आ रहा था, तो रास्ते में उसको वही साधु महात्मा मिले। महात्मा जी ने कहा अब पानी ले जाके क्या करोगे, अब तो तुम्हारे घर वाले जिनके लिए तुम लेके जा रहे थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं। तो वो व्यक्ति रोने लगा, उसने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए कि आप बताइए, मैं तो सत्कर्म कर रहा था, मैं तो सोच रहा था मैं किसी की प्यास बुझा रहा हूँ, मैं सत्कर्म कर रहा हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? महात्मा जी ने उसे कहा कि आप जो सत्कर्म कर रहे थे वो गलत तरीके से कर रहे थे। उस व्यक्ति की समझ नहीं आया, तो फिर आप हमें सही तरीका बताइए। तो महात्मा जी ने कहा कि आपने मुझसे भी पूछा था, मुझसे भी कहा था कि हमें प्यास लगी है, तो क्या मैं आपके लिए सरोवर से पानी भर के लाया? नहीं, मैंने तो आपको सरोवर का रास्ता दिखाया ताकि आप अपना पुरुषार्थ लगाएं, आप वहाँ जाएं, पानी भरें, पानी पिएं और अपनी प्यास बुझाएं, ना कि मैं तुम्हारे हाथ में ला करके पानी दूं कि आप पानी पियो। सेम वही काम आपने भी उन लोगों के साथ करना था, आपने उनको सरोवर का रास्ता दिखाना था,
आपने उनको वो जगह दिखानी थी जहाँ पानी है, आपने खुद उनको पानी पिलाने लग गए। इस सत्कर्म को करते करते आपका एक बुरा कर्म हो गया कि आपकी जो जिम्मेदारी आपका परिवार था वो खत्म हो गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? और ये बात तो सच है कि सत्कर्म को सही तरीके से करेंगे ना तभी वो सत्कर्म होगा, वरना आपका किया हुआ सत्कर्म आपको बुरे फल भी दे सकता है। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं, और आप कैसा सत्कर्म कर रहे हैं अगर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो, या अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। पहली जिम्मेदारी तो आदमी का परिवार होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा, और वीडियो से अच्छा आपको सामने का नज़ारा कैसे लगा आप देख लीजिए। ये शाम का समय है और ये देहरादून है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट ज़रूर करें।